अभिनेत हुई शर्मसार, महिला का अपहरण कर किया गैंग रेप, 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नू पुनाना गांव के थाने में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला का अपहरण करने के बाद उसके साथ 8 दिनों तक रेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एक बार फिर हमारे इस सभ्य समाज का गंदा चेहरा सामने आया है, जहां एक महिला का अपहरण करने के बाद उसके साथ लगातार 8 दिनों तक रेप किया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस में दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है और पिछले दिनों मायके आई हुई थी। पीड़िता ने बताया कि 24 फरवरी की रात 2 बजे जमशेद शरीफ और साहब जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आए, जिन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर मुँह बंद कर दिया और एक गाड़ी में उसे अगवा कर गुंडगांव ले गए। पीड़िता ने कहा कि वहां उसे एक कमरे में ले जाकर रखा गया, जहां उनके अन्य साथी भी मौजूद थे। पीड़िता ने बताया कि सभी 11 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरे दिन गाजियाबाद ले गए, वहां भी सभी ने मिलकर उसके साथ बार बार रेप किया। पीड़ित महिला ने बताया कि 4 मार्च को आरोपी उसे पिनगवा में छोड़कर भाग गए और किसी तरह उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि पीड़िता की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से परिजनों ने तुरंत पुलिस में जानकारी नहीं दी और मामला 9 मार्च के दिन थाने में दर्ज करवाया। मामले की जांच अधिकारी राजकला ने बताया कि पीड़िता के बयान पर जमशेद शरीफ, शहाब, जाकिर खान, मास्टर तौफीक, शकील, अरसद, रफा, आदिल समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के बयान को लेकर मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां रेप की पुष्टि हुई। साथ ही पुलिस ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।